जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप सभी के प्यार के बदौलत आज हमारा यह चैनल जो कि हमारे प्रिय गुरु रजनीश ऋषि जी के नाम पर चल रहा है उसने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। अब हमारे चैनल से 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं जो कि एक्टिवली हमारे ये चैनल देखते हैं। आप सभी को इतना भरपूर प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। कहने को तो ये मुकाम हमने 10 साल में हासिल किया है परंतु वास्तव में देखें तो पिछले साल तक हमारे साथ 50,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं जुड़े हुए थे क्योंकि हम YouTube पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, परंतु पिछले साल के दौरान हमने YouTube पर अपनी गतिविधि बढ़ाई और कई सारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए नए नए वीडियोस को YouTube पर अपलोड किया और आपने भी उन्हें खूब प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे इस चैनल को लगातार अपना प्यार देते रहें और जिन भी लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे नए वीडियोस को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त करें। आज 26 अगस्त 2019 दिन सोमवार, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज दशमी तिथि सुबह 7:03 तक रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 7:35 से लेकर 9:11 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप अपने आपको मानसिक रूप से अशांत पाएंगे जिससे आपकी अपने कार्यों में रुचि कम होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी आज डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए आज आपको जरूरत है कि अपने मन को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लें और प्रातःकाल पवित्र होकर किसी एकांत स्थान पर जाकर ध्यान लगाएं और अपने मन से सभी नेगेटिव थॉट्स को निकालने की कोशिश करें। उसके पश्चात ही आप अपने दिन की शुरुआत करें। स्टूडेंट्स को आज विशेष तौर पर मेडिटेशन करना चाहिए, इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और मेमोराइजेशन पावर में भी वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के लिए आज का दिन खास है और चुनाव लड़ने की दिशा में आज आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपको शुभ फल प्रदान करेगा। आज आपकी रीढ़ की हड्डी और जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। आज आपको अपनी बहन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की जरूरत है। आज व्रत रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। कर्क राशि वालों, अगर आपकी आमदनी कम है और आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अर्थात घंटी के निशान को दबाकर हमारे हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके किसी भी राशि का जातक आज बड़ी सरलता से माता महालक्ष्मी जी का कृपा का पात्र बन सकता है। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र हो जाएं। इसके पश्चात आपको आटे की 108 गोलियां बनानी है, परंतु ध्यान रहे कि आटा शुद्ध हो। आटा की गोलियां बनाते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध छीं ह्रीं छीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध छीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जब आप आटे की गोलियां बना लेंगे तो इन्हें ले जाकर तालाब में मछलियों को खिलाएं। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी धन प्राप्ति के लिए सभी रास्ते खुल जाएंगे। मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वैस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1 जनवरी को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फ़ायदा हो गया? हाँ जी, आज 1 है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाग पहना है, पहनने के बाद हमको
पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa, and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishi Ji. My experience with Guru Rajneesh Rishi Ji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maa Rukmani Ji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen, because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Maa, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peet at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help from. Hello, my name is Nicole. I'm from Florida, Miami, and I came here for the power course with Guru Sri Rajneesh Ji and Guru Maa Rukmani. I've been here for 30 days, and I got more than I bargained for. There are many gurus, many teachers, and we spend a lot of time and money and energy. We don't really know which one to choose or where to go to get the truth. And I'm glad that I can tell you to come to Shani Peet, because the teaching is going to be, could be very fast. It's genuine, and we do get results. So there's no doubt that all these years of searching, I came to the right place and with the right masters. क्या आपका business fail हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।